गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन कुछ भी नहीं किया था, स्कूल टाइम के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है वो हम लोगों ने रिवाइज किए थे। टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद आर टॉपिक दैट इज लाइट। नाउ इफ यू नोटिस हियर, just one. Okay, so as you can see we have a light topic. अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको एक जो पॉइंट दिया है वो क्या है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ओके, दैट इज व्हाट गिवन हियर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर आप देखेंगे, सो मेनली हम लोग इसको यूज करते हैं इन अवन। इफ आई जस्ट टाइप इट हियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एग्जांपल्स इन एवरीडे लाइफ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव मल्टीपल सच एग्जांपल्स। अब अलग अलग लाइट के अलग अलग फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलग अलग वेज रहते हैं। जैसे कैमरा पे ऊपर, रेडियो पे जो यूज होता है, माइक्रोवेव में यूज होता है उसका लेंथ। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यूवी रेज आते हैं, एक विजिबल लाइट होता है, इंफ्रारेड होता है जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, माइक्रोवेव के लिए हम लोग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज करते हैं, रेडियो के लिए और एक अलग होगा। गामा रेस बहुत हार्मफुल रहता है, हम लोग नॉर्मल लाइफ में इसको बिल्कुल यूज नहीं करते। एक्सरे जो फ्रैक्चर्स या उसके लिए यूज करते हैं। तो अगर आप देखेंगे हर एक लोकेशन पे अलग अलग आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ हाँ, प्लाज्मा ब्लेड भी आएगा। सो यहां पे अगर आप देखेंगे इन आर नोट्स, दे हैव प्रोवाइडेड समथिंग विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट वी सी इज अ विजिबल लाइट इज ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ दिस, बराबर है। जो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल्स देखे, इमेजेस देखे, इसमें से विजिबल लाइट जो है वो सिर्फ इतना ही है जो हम लोग देख सकते हैं। उसके आगे जो भी है वो लाइक रेडियो वेव, माइक्रोवेव अवन में जो सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स रहते हैं, हम लोग इसको नहीं देख सकते। इंफ्रारेड रेज उसको हम लोग नहीं देख सकते, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें से बहुत छोटा सा पार्ट हम लोग देख सकते हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स थ्रू अ माइक्रोवेव इंफ्रारेड विजिबल, देन अल्ट्रावायलेट लाइट्स आएंगे, एक्सरेज आएंगे और गामा रेज आएंगे। सो आपका आई जो है वो रिस्पॉन्ड किस पे करता है, विजिबल लाइट पे। डिटेक्टिंग द रेस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम रिक्वायर्स सम और द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपको ये जो रेडियो वेव्स अगर रिसीव करना है तो आपके पास रेडियो पे वो रिसीवर होना चाहिए जो फ्रीक्वेंसी कैच कर पाए वो। जैसे हम लोग अगर रेडियो को सेट करते हैं 102.97.93, वो फ्रीक्वेंसी कैचर होना चाहिए। सेम वे माइक्रोवेव के अंदर भी एक इंस्ट्रूमेंट होगा, आपके फोन में भी एक ब्लूटूथ इंफ्रारेड रेज को कैच करने के लिए अलग से डिवाइस रहता है। यूवी रेज, एक्सरे अलग से डिवाइस होता है जो इसको कैच करता है, बराबर है। नाउ एज वी नो, जो एक्सरेज है वो बोन्स जो होता है उसके आर पार नहीं जा सकते, सो इसके थ्रू हम लोगों को बहुत इजीली अगर कहीं पे कोई फ्रैक्चर है तो वो पता चल जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज दिस एक्सरे। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ, We have this point here now, जहां पे आपको बोला है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, फोटोन्स आएगा, ज्योमेट्रिक रेज आएंगे। सो हम लोग इसको अलग अलग वेज में यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फोटोन्स आते हैं। फोटोन्स बहुत सिंपल है, छोटे से पार्टिकल रहेंगे, बराबर है। अगर मैं लाइट देख रहा हूँ तो उसमें से बहुत सारे लाइट पार्टिकल्स निकलेंगे और उससे हम लोग उसको देख पाएंगे। नाउ वेवलेंथ, अब आप देखो जो वेवलेंथ रहता है, जैसे सन रेज होता है तो वेवलेंथ जो होता है उसका अलग रहता है ना। और जब वो, जैसे आप देखो कि हम लोग कार्बन
कार जब अगर धूप में हम लोग खड़ा करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, तो उसका रीजन क्या है? सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वाई कार गेट्स हीटेड अप, सो इन सनलाइट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज द एग्जाम्पल, जो सनरेज आता है इसका वेवलेंथ जो है वो अलग होता है। तो सनरेज के जो सनलाइट का जो वेवलेंथ होता है दैट कैन इजीली पास फ्रॉम दिस मिरर, ठीक है, लेकिन जब वो अंदर बाकी के ऑब्जेक्ट से हिट होता है, मतलब जब ही वो बाकी के ऑब्जेक्ट से टकराएंगे लाइक सीट है या फिर जो हम लोग का स्टेयरिंग होगा, डैशबोर्ड होगा और कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने रखे हैं, तो उस पे हिट करके क्या होंगे, आपके जो लाइट्स है वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, लेकिन उसका जो मेन जो वेवलेंथ है वो चेंज हो गया रहेगा, और वो वेवलेंथ जो है वो चेंज होने के बाद में दे कैन नॉट पास बैक। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो क्या बोला है, शॉर्टर वेवलेंथ होंगे सनरेज से जो आ रहा है, ये येलो वाला है जो मिरर से इजीली पास हो सकता है, लेकिन जब वो एक बार कार में आ गए तो उसके बाद में उनका वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाता है, जैसे ही वो कोई एक ऑब्जेक्ट को बाउंस करके वापस बैक करते हैं तो उनका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, और वो जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ आपका जो मेन जो कार का मिरर होता है उसमें से बाहर एस्केप नहीं हो पाता है, तो उसके उसकी वजह से क्या होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जो है वो आपको यहां से मिलता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। तो अब लाइट को हम लोग बहुत बार ये ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट के थ्रू जानते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सेम थिंग इज गिवन हियर एज वेल कि आपके पास वो जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट होता है, ये सेम ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट बहुत बार अच्छा भी होता है, बहुत बार बुरा भी होता है, गेटिंग? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आपका जो कार का रूफ है उससे अगर कोई अगर रेज सनरेज अगर हिट करेंगे तो वो डायरेक्टली बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि ये बहुत एक स्मूथ सा ये है, एक स्मूथ सा ऑब्जेक्ट है, तो यहां से रिफ्लेक्शन में उनको ज्यादा तकलीफ नहीं रहेगा, लेकिन बिल्डिंग्स है या फिर कार के सीट है वो एक स्मूथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उससे जब रेज आपके बाउंस होता है, हिट होता है, तो उनका जो वेवलेंथ है, उनका जो डायरेक्शन है वो बहुत चेंज हो जाता है और वो वापस स्पेस में एस्केप नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये देखो ये एग्जाम्पल है हम लोग का, ये सेम ग्लोबल वार्मिंग का हेल्प लेके जो सर्टन ऐसे लोकेशंस रहते हैं जहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है, इसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। सो बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ लाइट हम लोग ऐसे लोकेशंस जहां पे नॉर्मल हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि आइस बहुत ज्यादा होता है, आपके पास जो भी मिट्टी रहेगा उसके ऊपर बर्फ जमा हो जाता है, तो वो टाइम पे ऐसे लोकेशंस पे फार्मिंग करने के लिए हम लोग ऐसा कांच का घर बनाते हैं। देखो ये कांच का घर बनाएंगे तो जो भी सनरेज आएंगे उसको हम लोग यहाँ पे ही स्टोर करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो जब वो कांच से मिरर से पास होंगे वो टाइम पे ये रेज का वेवलेंथ जो होगा वो अलग होगा, जिससे वो इजीली ये कांच से अंदर आ सकते हैं, लेकिन जब वो नीचे जो हम लोगों का फ्लोर है उससे टकराएंगे और बाउंस बैक होंगे वो टाइम पे उनका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा, एनहेंस दिस कैन नॉट एस्केप आउट ऑफ दिस ग्लास हाउस, एनहेंस बाहर अगर आपका टेम्परेचर -10 या 20 डिग्री है, अंदर आपका टेम्परेचर जो होगा वो +10 या 20 डिग्री या 25 डिग्री तक हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, जिससे अंदर आप फार्मिंग कर सकते हो। सो दिस इज द मेन बेनिफिट। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग अगर हम लोग ये यूज ना करें तो ऐसे जो आइसी आइलैंड्स होंगे या फिर ऐसे कोई कंट्रीज है जहां पे विंटर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जहां पे चीजें जम जाता है, वहां पे आप फार्मिंग ही नहीं कर पाएंगे कभी। सो वहां पे ऐसे बड़े बड़े ग्लास हाउस बनते हैं, तो कार में ये ग्लोबल वार्मिंग से आपके सीट सब कुछ बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, इसके लिए हम लोग ट्राई करते हैं कि कार को कभी सनलाइट में ना रखे, धूप में ना रखे, अदरवाइज आप कार में बैठने के बाद भी आप थोड़े टाइम वो कार में बैठ नहीं पाएंगे, थोड़े टाइम हम लोग डोर खुला रखते हैं सो दैट वो हीट जो है वो एटलीस्ट बाहर पास ऑन हो जाए। सो ये जो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट है दिस इज पॉजिटिव एट सम लोकेशन एंड इट इज वेरी निगेटिव फॉर सम पीपल।
देन ये जो भी प्रोटॉन्स होंगे या जो भी लाइट पार्टिकल्स रहेंगे, अब अगर वो विजिबल स्पेक्ट्रम से पास हो रहा है उसके साथ में भी, और अगर इनविजिबल स्पेक्ट्रम मतलब जो विजिबल लाइट है जितना हम लोग देख सकते हैं तभी भी वो एनर्जी कैरी करते हैं, इनविजिबल स्पेक्ट्रम रहेंगे मतलब जो हम लोग नहीं देख सकते तभी भी वो एनर्जी कैरी करेंगे, सिंपल है ना। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एनर्जी जो है वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा जैसे लाइट ट्रैवल कर रहा है ना, और स्पीड ऑफ लाइट जो रहता है वही लेवल पे ये ट्रैवल करेगा। रेडियोमेट्रिक क्वांटिटी ना, रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी का मतलब क्या रहता है, इफ यू कैन नोटिस हियर वी हैव दिस रेडियोमेट्रिक क्वांटिटी या रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी बेसिकली हम लोग माइक्रोवेव में यूज करते हैं, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी आपका माइक्रोवेव में यूज होगा जिससे आपका खाना गर्म होता है, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर ये रेडिएंट एनर्जी नहीं होगा तो आप खाना गर्म नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी, विजिबल इनविजिबल, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग देख ले शॉर्ट थोड़ा सा। सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी क्या बोला है, एग्जाम्पल ऑफ लाइट और रेडिएंट एनर्जी, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया हुआ है ना, तो सन है, लाइट ट्रांसमिटेड है, रिफ्लेक्ट हो गया, अल्बिडो इफेक्ट हम लोग बोलेंगे इसको, लाइट रिफ्लेक्टेड बैक टू अ स्पेस। अब जब अगर आपका प्लेन ग्राउंड रहेगा ना तो ये जो लाइट है वो डायरेक्टली स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उससे आपका अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो बढ़ता नहीं है। तकलीफ कब होता है, जब यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स आ जाते हैं, तो बिल्डिंग्स आने की वजह से क्या होता है, ये जो सनलाइट जो स्ट्रेट वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है वो नहीं होगा। अब यहाँ पे आई कैन से कि यहाँ पे अभी बिल्डिंग आ गया, एट दिस पॉइंट लेट सपोज एट दिस पॉइंट वी हैव वन बिल्डिंग, ठीक है। सो अब सनलाइट जो है वो यहां से यहां पे हिट कर रहा है, और यहां पे हिट करने के बाद में इट विल रिफ्लेक्ट बैक लाइक दिस, देन यहां पे और एक बिल्डिंग है, तो यहां से हिट करने के बाद में इट विल रिफ्लेक्ट बैक लाइक दिस। तो क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं ना कि अगर आप ग्रीनरी रखेंगे, प्लेन ग्राउंड्स होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग हम लोग बच सकते हैं। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, एक एग्जांपल है कि जब सनलाइट ग्राउंड को हिट करता है थोड़ा बहुत सनलाइट यहां पे अब्सॉर्ब हो गया, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम स्कूल का जो लेक्चर देखा था उसमें देखा था 10th लेवल के लाइट के, कि जितने बार लाइट हिट होंगे, जैसे अगर यहां से अगर मेरा लाइट का सोर्स है यहाँ पे ये बल्ब है सपोज, अब यहाँ पे हिट किया फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे, यहां से फिर यहाँ पे हिट किया सेकेंड ऑब्जेक्ट पे, यहां से फिर यहाँ पे हिट किया थर्ड ऑब्जेक्ट पे, जितने बार लाइट एक जगह से दूसरे जगह पे रिफ्लेक्ट बैक होगा तो हमेशा थोड़ा सा लाइट यहाँ पे अब्सॉर्ब होगा, बराबर है, यहां पे थोड़ा लाइट अब्सॉर्ब होगा एंड बाकी रिफ्लेक्ट बैक होगा, वापस यहाँ पे थोड़ा लाइट अब्सॉर्ब होगा वापस थोड़ा रिफ्लेक्ट बैक होगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइट जो है वो यहाँ पे अब्सॉर्ब हो रहा है, थोड़ा सा ग्राउंड ने अब्सॉर्ब किया बाकी का भेज दिया ग्राउंड वापस स्पेस में फेंक दिया। तो स्टार्टिंग में जब बिल्डिंग्स या कुछ ज्यादा नहीं थे तो क्या होता था, हम लोग के लिए ये बेनिफिट था कि प्लेन ग्राउंड थे बहुत बड़े बड़े, तो आप सनलाइट जो नीचे आएगा वो वापस क्या होगा स्पेस में वापस चले जाएगा, तो थोड़ा सा ही यहाँ पे आएगा, तो आप देखो कि गर्मी जो था वो स्टार्टिंग में बहुत कम जो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इतना बढ़ नहीं रहा था, सी लेवल टेम्परेचर इतना बढ़ नहीं रहा था। अभी सी लेवल जो है वो बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज सनलाइट जो भी आ रहे हैं वो डायरेक्टली सी में जितने भी रहेंगे वो वहां पे ही गर्म ही होते जाएंगे, और आजू बाजू का टेम्परेचर जब गर्म होता है तो वो और गर्म हो जाता है। अब आपने यहाँ पे बहुत सारे बिल्डिंग्स बना दिए, कहीं पे घर बना दिया, तो अब सनलाइट जो आ रहा है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉस हो रहा है, और रिफ्लेक्शन के टाइम पे वो डायरेक्ट स्पेस में नहीं जा रहा, उसका वेवलेंथ चेंज हो गया, उसका डायरेक्शन चेंज हो गया लाइट का, तो स्पेस के जगह पे अब क्या होगा, थोड़ा सा जो जो एनर्जी है वो यहाँ पे अब्सॉर्ब हो गया और बाकी का उसने रिफ्लेक्ट बैक किया टुवर्ड्स सम अदर लोकेशन या अदर डायरेक्शन। अब ये जो दूसरा डायरेक्शन है यहाँ पे कोई दूसरा बिल्डिंग है, यहां से वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ और कहीं पे, तो क्या हो रहा है कि अभी हम लोगों का जो हम लोगों ने वो कार वाला जो एग्जाम्पल देखा था ना, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग वाला,
वो सेम या ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सेम कहीं ना कहीं फॉलो होते जा रहा है। सो यहां पे अगर आप देखेंगे, वी हैव रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, एक्सरे, गामा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक सेकेंड, ओके, यस, एज यू कैन सी हियर, हम लोग ये जो रेडिएंट एनर्जी है या इरेडियंस जिसको बोलते हैं, एज यू कैन सी हियर इन दिस एग्जांपल एज वेल। सो व्हाट इज रेडिएंट एनर्जी? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फ्री एनर्जी डिवाइसेस आर ओपन सिस्टम एंड हार्नेस एनर्जी फ्रॉम द लोकल एनवायरनमेंट। जैसे अगर यहाँ पे हम लोगों ने एक सोलार पैनल लगाया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से सन के पास से जो एनर्जी आ रहा है, जो लाइट आ रहा है, इसको मैं यूज करूंगा, तो वो सनलाइट जो है उसको हम लोगों ने सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे आपके पास चार्ज कंट्रोलर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यहाँ पे गया, यहाँ से एक आपका बैटरी जो है वो चार्ज हो जाएगा, एंड देन आपके पास इन्वर्टर रहेगा जिसको हम लोग चार्ज कर लेंगे, तो अगर लाइट जाएगा या आपको अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी अगर ज्यादा यूज नहीं करना है, तो आप ये रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जीज यूज कर सकते हैं। नाउ अगेन इफ वी गो बैक टू आर टॉपिक, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, रेडिएंट एनर्जी है, यहाँ पे देखो आपको एक सेम एग्जांपल दिया हुआ है, रेडिएंट क्वांटिटी इन रेडियंस, इरेडियंस मेजर द ओवरऑल रेडिएंट फ्लक्स। रेडिएंट फ्लक्स मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि ये मेरे पास एक छोटा सा यूनिट एरिया है, अब ये यूनिट एरिया पे कितने साइड से हम लोग लाइट फोकस कर रहे हैं, आप समझ लो कि ये माइक्रोवेव अवन है और यहाँ पे सेंटर में खाना रखा हुआ है, और इतने साइड से जो है वो ये जो रेडिएंट एनर्जी है वो आ रहा है ये खाने पे, तो ये जितने साइड से खाने पे एनर्जी आएगा उतना जल्दी आपका खाना गर्म हो जाएगा, उसका पावर एनर्जी जितना ज्यादा रहेगा उतना जल्दी खाना गर्म होगा, लेकिन ये एक लिमिट से ज्यादा हो गया तो आपका खाना जल जाएगा। सो इन रेडियंस मेजर द ओवरऑल रेडियंट फ्लक्स, मतलब ओवरऑल आपने कितना दिया हुआ है और आप कितने सरफेस एरिया पे, कितने पार्ट पे उसको फोकस कर रहे हैं। तो अगर मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, कितना लाइट फ्लो होगा या फोटोन्स पर यूनिट टाइम पर सेकेंड, तो आप देखो कि हम लोग अगर जब आ, 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 कोई अवन चलाता है तो वहां पे आपने देखा रहेगा कि आपको खाना सिर्फ गर्म करना है या खाना पकाना है, उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो टेम्परेचर है अंदर वो लिमिट का रहेगा, है ना। तो रेडिएंट एनर्जी का अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, हम लोग को क्या बोला है, लाइट इज अ रेडिएंट एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कैन बी कंसिडर बोथ अ वेव एंड अ पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन हाउ टू इट मेजर, इट ट्रांसमोट एनर्जी थ्रू अ स्पेस, वेन लाइट इज ऑब्जर्व बाय द फिजिकल ऑब्जेक्ट इट्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू सम अदर फॉर्म। मतलब अगर सनलाइट को अगर सोलर पैनल ने अगर ऑब्जर्व किया तो वो फिर उसमें से क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ऑफकोर्स। सो माइक्रोवेव अवन फॉर एग्जाम्पल, हीट अ ग्लास ऑफ अ वॉटर वेन इट्स माइक्रोवेव रेडिएशन इज ऑब्जर्व बाय द वॉटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो भी माइक्रोवेव रेडिएंट एनर्जी जो है वो जो ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करेगा उसके अंदर उसके हिसाब से या तो हीट एनर्जी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगा, ये हिसाब से डिफरेंसेस होंगे। आई होप दिस इज वेरी सिंपल। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, द रेडिएंट एनर्जी ऑफ माइक्रोवेव इज कन्वर्टेड इन टू थर्मल दैट इज हीट एनर्जी एंड विजिबल लाइट कॉजेज एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इन अ फोटोग्राफिक लाइट मीटर, वेन इट्स रेडिएंट एनर्जी इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है। तो कहीं कहीं पे आप देखो कि हम लोग जो जैसे अगर हम लोग कोई एक स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे हैं, कोई एक रॉकेट लॉन्च होता है, तो उसमें ज्यादा ज्यादा आप जो पेट्रोल उनका जो होगा वो सेव करने के लिए, ज्यादा एनर्जी उसमें सेव करने के लिए आपके जो भी फ्यूल्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं फ्रीज फॉर्म में रहता है। अगर आपने साइंस में पढ़ा रहेगा तो अगर मैं एक बर्फ बनाता हूँ, नॉर्मल पानी रहेगा, दोनों का जो वेटेज होगा वो अलग अलग रहेगा। सो अगर मैं ज्यादा पानी अगर मुझे स्टोर करना है, अगर मैं उसको फ्रीज वे में स्टोर करूंगा तो कम स्पेस में मैं ज्यादा पानी स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन अगर उसको लिक्विड फॉर्म में सेव करूंगा तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। सेम वे आप देखो कि कहीं कहीं पे हम लोगों के जो फ्यूल्स रहते हैं उसको हम लोग गैस, गैस मतलब क्या हो गया कि वहां पे आप जैसे अगर हम लोग गैस सिलेंडर्स आते हैं तो वहां पे भी क्या हो रहा है, कोई ना कोई एक लिक्विड फॉर्म में से आपका जो
गैस जनरेट हो रहा है, मतलब उसको हम लोगों ने कोई अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हम लोगों ने उसमें गैस रखा हुआ है, राइट? तो ये अलग अलग फॉर्म में हम लोग जो एनर्जीज है उसको स्टोर कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे रेडिएंट फ्लक्स मतलब रेडिएंट पावर हम लोग बात कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग के पास कोई एक लाइट बल्ब है, अब वो 100 वॉट्स का है, 200 वॉट्स का है, 500 वॉट्स का है, 1000 वॉट्स का है ना? तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर। तो जितना बल्ब का पावर ज्यादा होगा, मतलब वो जितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा लाइट वो थ्रू करेगा। अगर 100 वॉट का है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा उसके सामने ज्यादा लाइट जनरेट करेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो भी कंसेप्ट होता है इसको हम लोग जूल्स पर सेकेंड या वॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपने देखा रहेगा, हम लोग के जो बल्ब आते हैं ये वो वॉट्स में आते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, वी हैव लाइट बल्ब इन वॉट्स। सो यहाँ पे देखो, हम लोग के पास ये अलग अलग लाइट लाइट बल्ब्स है। सो अगर मेरे पास 60 वॉट्स का बल्ब है, 15 का है, 12 का है, तो उसके हिसाब से वो कितना लाइट जनरेट करेगा। तो आपका जो घर है वो कितना बड़ा या छोटा है उसके हिसाब से हम लोग कोई ना कोई एक साइज के बल्ब रखते हैं। तो जितना बड़ा बल्ब रहेगा वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, लेकिन उतना ज्यादा लाइट भी जनरेट करेगा। लेकिन जितना छोटा बल्ब रहेगा वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा और लाइट जो जनरेट करेगा वो भी कम रहेगा। सो यहाँ पे वही दिया है कि एनर्जी पर यूनिट इज अ पावर। तो एनर्जी जितना ज्यादा कंज्यूम होगा लाइट उतना ज्यादा जनरेट होगा। सो अगर लेजर बीम फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या बोला है, वॉट ऑफ अ रेडिएंट पावर, लाइट फ्लोस थ्रू अ स्पेस एंड सो रेडिएंट पावर इज मोर कॉमनली रिफर्ड टू एज टाइम रेट ऑफ अ फ्लो ऑफ रेडिएंट एनर्जी। अब यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ काम के वो मैं बता दूंगा। अगर आप फिजिक्स से हो तो ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फ्लक्स जो है हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्यू इज द रेडिएंट एनर्जी एंड टाइम इज टी इज टाइम। सो टोटल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हम लोगों ने रेडिएंट एनर्जी जो है वो कितने पार्ट में हम लोग कितना रेडिएंट एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो डी ए है, सो यूनिट एरिया जो है उसको हम लोग डी ए से कंसिडर कर रहे हैं। लाइक एज यू कैन सी, यहाँ पे हम लोगों का ये यूनिट एरिया है ना, तो उसको हम लोगों ने डी ए से कंसिडर किया है। या फिर हम लोग समझ लो कि आप कितने एरिया में लाइट फोकस करोगे वो हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है, दैट इज द रेडियंट फ्लक्स डेंसिटी। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेडियंट एग्जिस्टेंस इररेडियंस, इररेडियंस किसको बोलते हैं, जब लाइट आपका कोई एक लोकेशन पे फोकस होता है। सो ये सपोज हम लोगों का माइक्रोवेव का एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये मेरा खाना है और सब जगह से रेडिएशन जो है वो इसके ऊपर आ रहे हैं, तो उससे खाना गर्म हो जाएगा। और अगर ये मेरा सोर्स है और यहाँ से लाइट बाहर जा रहा है तो ये रेडियंट एग्जिस्टेंस हो गया, दिस इज माई लाइट सोर्स, ये इररेडियंस हो गया, ठीक है। आई होप ये बहुत सिंपल है। सो अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे, सो देखो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे फ्रूट में भी ये सेम चीज होता है। फ्रूट में अगर आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग के लिए हम लोग ये सेम कंसेप्ट यूज करते हैं, जिससे फ्रूट जो है वो जल्दी पक जाता है। तो बहुत सारे जगह पे हम लोग ये यूज करते हैं इररेडियंस, जहाँ पे कोई एक लोकेशन पे आप देखो कि जैसे मैंगो है, तो हम लोग आपने बहुत बार देखे रहेंगे फ्रूट के ऊपर कोई एक पाउडर लगाते हैं हम लोग, जिससे वो फ्रूट जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा उसका हीट बढ़ेगा। या फिर हम लोग अगर मैंगो है तो उसको हम लोग कोई एक ऐसे लोकेशन पे रखते हैं जहाँ पे उसका हीट मेंटेन रहेगा, तो वो जल्दी गर्म हो जाए, मतलब जल्दी पक जाएगा। सो वही दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ रियल और इमेजिनरी सरफेस कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, इट मीन्स दैट द रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी कैन बी मेजर्ड एनीवेयर इन थ्री डायमेंशनल स्पेस एज वेल, एयर में भी और वैक्यूम में भी। स्पेस जो होता है उसको वैक्यूम बोलते हैं, जहां पे ऑक्सीजन या कोई दूसरा गैस नहीं है, एम्प्टी वे उसको वैक्यूम बोलते हैं। आई होप हम लोगों को पता है। सो यहाँ पे रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी इज मेजर्ड इन वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। आपको यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी का एग्जांपल दिया हुआ है बहुत सिंपल वे में, तो डायरेक्ट सनलाइट ये आपका लाइट सोर्स है। रेडिएंट फ्लक्स पर यूनिट एरिया उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो यहाँ पे आपका डी ये फ्लक्स है, डी फ्लक्स डिवाइड बाई आपका जो डायरेक्ट जो लाइट जो आ रहा है, बराबर है,
वो लाइट है। सो ये आपको इक्वेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे में वी ओनली सपोज टू रिमेम्बर दिस कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेडियंट फ्लक्स, लाइट फ्लो और फोटोन्स पर यूनिट एरिया। तो आप देखो कि अभी हम लोग इंडिया में सनलाइट यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रेडियंट इंटेंसिटी हाई है। आप देखो इंडिया और सर्टन दूसरे जो कंट्रीज है वर्ल्ड, दिस इज आवर वर्ल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, दिस इज आवर इक्वेटर। अब सन जो है, सनलाइट जो है वो मैक्सिमम सनलाइट अगर आप देखेंगे ना तो वो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना इनके यहां पे जो ये जो कंट्रीज है जो एग्जैक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आता है, इनके पास सनरे सबसे ज्यादा रिसीव होता है, ठीक है। अब यहां पे जो कंट्रीज है ना इनके पास सनरे पहुंचते पहुंचते उनका जो स्ट्रेंथ है, उनका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है और उसके वजह से क्या होता है, यहां पे आइस जो है वो बहुत ज्यादा है। और एज वी नो कि अगर आइस है तो आइस क्या करता है, मैक्सिमम सनलाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इनटू अ स्पेस। एनहेंस सबसे पहले तो आपके सनरेज यहाँ पे क्रॉस आ रहे हैं, जैसे अगर हम लोगों को ठंडी लगता है तो वो ठंडी का जो सीजन रहता है वो क्यों रहता है, क्योंकि सन जो है वो हम लोगों से दूर है, डायरेक्ट सनरेज हम लोग के पास नहीं पहुंच रहे, इसके लिए हम लोग को ठंडी लगता है वो टाइम पे। आप देखो बहुत सारे स्टेट्स में जो ठंडी लगता है उसका मेन रीजन यही रहता है, सेम साइंस का कंसेप्ट। सनरेज डायरेक्ट हम लोग को हिट नहीं कर रहे, सूरज से हम लोग थोड़े दूर चले गए और उसकी वजह से कम सनलाइट आ रहा है, कम अब्सॉर्ब हो रहा है, कम अब्सॉर्ब हो रहा है तो जो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो आपका ठंडा रहेगा। अब गर्मी क्यों लगता है, सन के हम लोग बहुत पास आ गए, सन के ज्यादा पास आने की वजह से सनलाइट डायरेक्ट हिट कर रहा है वो स्पेसिफिक लोकेशंस पे और उसकी वजह से ज्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब हो रहा है, ज्यादा गर्मी बढ़ रहा है, ये सिंपल कंसेप्ट है। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई ऐसे लोकेशंस है जहां पे आइस बहुत ज्यादा है तो वहां पे गर्मी बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि वाइट सरफेस जो होता है वहां से लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक होता है, अब्सॉर्ब कम होता है। एज यू नो कि गर्मी में हम लोग व्हाइट कपड़े ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लैक, क्योंकि अगर ब्लैक कपड़े आप पहनेंगे तो सनलाइट जो है वो ज्यादा अब्सॉर्ब होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा, है ना। तो आप देखो कि कहीं कहीं पे अगर हम लोगों को कहीं कहीं पे अगर हम लोगों के फोटो रूम्स रहते हैं तो हम लोग वहां पे ब्लैक रखते हैं उसको, है ना, सो दैट सनलाइट ज्यादा अंदर ही ना आ पाए। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर के जो हम लोग के स्टेट्स हैं, कंट्री है सॉरी, वर्ल्ड पे नॉर्थ पोल, दिस इज आवर नॉर्थ पोल एंड दिस इज आवर साउथ पोल। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे सो टेम्परेचर जो है वो -40 डिग्री से भी नीचे जाता है, मेन रीजन सनलाइट डायरेक्ट हिट नहीं हो रहा है, बहुत क्रॉस होके आ रहा है और हम लोग का अर्थ जो है एज वी नो वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री और अर्थ इज टिल्टेड, स्ट्रेट नहीं है, हम लोग का अर्थ ऐसा नहीं है, हम लोग का अर्थ ऐसा है, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है कि जब कंट्रीज यहाँ पे है, जो कंट्रीज यहाँ पे है, जब आपका अर्थ ये पोजिशन पे और सन आपका यहाँ पे है तो सनलाइट जो आ रहा है वो एक तो यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्रॉस में पहुंच रहा है, बहुत कम पहुंच रहा है और आइस की वजह से वो भी रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे ठंडी जो है वो बढ़ते जा रहा है और जहां पे सन डायरेक्ट हिट कर रहा है वहां पे मैक्सिमम सनलाइट रिफ्लेक्ट होता है, मैक्सिमम सनलाइट अब्सॉर्ब हो रहा है। इसके लिए ये जो कंट्रीज होता है दैट इज कैंसर कैप्रिकॉन एंड कैंसर के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो भी कंट्रीज आते हैं ये दोनों के बीच में, वहां पे अगर आप देखेंगे तो सोलर मिशन जो है वो सबसे ज्यादा चलता है, मतलब यहाँ पे आपको सोलर पैनल जो है वो काम में आता है। तो हम लोग ये जो भी फिजिक्स का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में या कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ये मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज यूज करने का जो कंसेप्ट चला है उसमें इंडिया इज ऑल्सो फाउंडिंग मेंबर, जहां हम लोग भी हर जगह पे मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं। आप देखो कि बहुत सारे खेतों में भी हम लोगों ने सोलर पैनल्स लगाए हुए, हम लोग
बहुत सारे लोकेशंस पे जहाँ पे पानी का स्कैर्सिटी होता है, तो जो नदी होता है या उनके जो नॉर्मल वाटर सोर्सेज रहता है उसके ऊपर भी हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं। उससे क्या होगा कि डायरेक्ट सनलाइट वाटर को हिट नहीं करेगा, पानी जो इवेपरेशन होगा वो कम हो जाएगा, और प्लस वो सनलाइट में से आपका वो ही सेम फार्म लैंड के ऊपर आपको मोटर ये वो जो भी चलाना है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो जाएगा, तो डबल काम हो जाता है आपका। तो ये आपका रेडिएंट इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी ज्यादा कहाँ पे होगा, जहाँ पे रेज जो है वो डायरेक्ट स्ट्रेट हिट करेंगे, है ना, तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा और वहां पे हम लोग उस वो एनर्जी को यूज भी कर सकते हैं। तो वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, फोटोन्स पर यूनिट टाइम जो है वो ज्यादा रहेंगे, लाइट फ्लो ज्यादा रहेगा, सब कुछ। तो ऊपर ये जो भी हम लोग के पॉइंट्स लिखे हैं वो बेसिक वही पॉइंट्स है। ओके, रेडियंस, रेडियंस का मतलब क्या होगा, रेडियंस इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय द फर्स्ट विजुअलाइजिंग इमेजिंग अ रे ऑफ लाइट अराइविंग एट और लिविंग अ पॉइंट ऑन अ सर्फेस इन अ गिवन डायरेक्शन। रेडियंस इज सिंपली द, अब यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला है, वी हैव रेडियंस, कोई एक पॉइंट पे लाइट आ रहा है या कोई एक पॉइंट से लाइट बाहर जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियंस। तो ये देखो अराइविंग रेडियंस हो गया, ये लिविंग रेडियंस हो गया। तो अगर लाइट अगर यहाँ पे सनरेज अगर यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपका रेडियंस हो गया, ये नॉर्मल हो गया। आई होप आपको याद है हम लोगों ने जो स्कूल लेवल के लेक्चर में पढ़ा था, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा, ये मेरा रेडियंस है, यहां से सनलाइट आ रहा है, इसका एग्जैक्ट सेम एंगल पे यहां से क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, ये नॉर्मल बनेगा, इफ यू रिमेंबर स्कूल लेक्चर्स। तो यहाँ पे वही सेम पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, अराइविंग रेडियंस एंड लीविंग रेडियंस। तो मैंने आपको जो रिवाइज कराया था उसका मेन रीजन यही था, तो अब मैं ये वापस नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप बहुत इजीली याद रख सकते हो। रेडियंट इंटेंसिटी, सन सोर्स जितना हाई रहेगा या पास में रहेगा, जैसे आप देखो कि अगर हम लोग क्रिकेट ग्राउंड होता है तो एक क्रिकेट ग्राउंड को प्रॉपरली अगर आपको लाइट करके रखना है, जैसे डे लाइट जैसा लगना चाहिए, अगर नाइट मैच है, डे नाइट मैच है, तो वो टाइम पे आपने देखा रहेगा बहुत बड़े बड़े फोकस हम लोग लगाते हैं, और कोई अगर क्रिकेटर होगा ना तो उसके चार शेडो गिरते हैं, आपने अगर कभी ध्यान से देखा रहेगा। मतलब हम लोग जो लाइट सोर्स जो है ना उसको ये लेवल पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि उसको सनलाइट या डे लाइट जैसा ही लगना चाहिए। कोई एक साइड से अगर शेडो आएगा तो क्या होगा कि वो साइड पे अगर आप कोई बॉलिंग करेंगे या वो साइड पे अगर कैच आएगा तो दूसरे को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि एक ही साइड पे लाइट सोर्स है आपका, है ना। तो इसके लिए हम लोग उस पे जो फोकस करते हैं, उस पे जो कंसेप्ट अप्लाई होता है वो ये सेम फिजिक्स का कंसेप्ट है स्टेडियम्स के ऊपर जो अप्लाई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज फोटोमेट्री। फोटोमेट्री का नाम से ही पता चल रहा है, फोटो जब हम लोग क्लिक करते हैं तो वहां पे फ्लैश आता है, फ्लैश की वजह से सर्टन पार्ट जो आप अगर नॉर्मल लाइट पे देख नहीं पाओगे वो बेटर देख पाएंगे हम लोग। या फिर आप देखो कि नॉर्मल अगर कभी शादी का या कोई फोटोग्राफी होता है या नॉर्मल कोई दूसरे टाइप के फोटोग्राफी होता है, अब फोटोमेट्री में या फोटोग्राफी में आप अगर देखेंगे हम लोग व्हाइट अम्ब्रेलाज यूज करते हैं। अगर यहां पे हम लोग एग्जाम्पल देखें, मैरिज फोटोशूट फोटोग्राफी, तो मैरिज फोटोग्राफी विथ व्हाइट अम्ब्रेला। सो यहां पे देखो ये जो व्हाइट अम्ब्रेला होता है, सॉरी व्हाइट अम्ब्रेला, why we use white umbrella during photography। तो देखो यहां पे आपको पता चलेगा कि डायरेक्टली अगर हम लोग कोई एक लाइट सोर्स अगर थ्रो करेंगे, जैसे यहां पे अगर ये डायरेक्ट लाइट सोर्स अगर थ्रो करेंगे तो क्या होगा, कोई एक आपका फेस लाइट के ऊपर एकदम लाइट आ जाएगा, दूसरे साइड पे लाइट बहुत कम आएगा। मतलब आपका बॉडी का कोई एक पार्ट बहुत ज्यादा ब्राइट दिखेगा, कोई एक पार्ट बहुत कम ब्राइट दिखेगा। जैसे हम लोग सनलाइट में अगर खड़े रहते हैं तो बहुत बार ये तकलीफ होता है ना कि एक आपका एक फेस पे एक साइड पे अगर धूप आ रहा है तो वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, और दूसरे साइड जहां पे अगर धूप नहीं आ रहा है वहां पे आपका शेडो आएगा, और प्लस अगर आपके आधे बॉडी पे ही धूप आ रहा है तो वो एकदम ब्राइट रहेगा, और जो आधे बॉडी उस पे अगर धूप नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा कम डल रहेगा। अब आप अगर फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो फोटो में भी आप अगर कोई लाइट रख रहे हैं ना तो वो लाइट सिर्फ फेस पे या कोई बॉडी पार्ट पे ज्यादा रहेगा और बाकी पे अगर कम रहेगा तो क्या रहेगा, आपके फोटो पे वो इंटेंसिटी जो है ना वो चेंज हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा।
हम लोग नॉर्मली इसी के लिए, आप देखो प्रोफेशनल फोटोग्राफर सारे ऐसे अम्ब्रेलाज यूज करते हैं। उसका मेन रीजन ही ये है कि जब अगर आप ऐसे अम्ब्रेलाज के थ्रू अगर फोटो कैप्चर करते हैं तो आपका लाइट जो है वो कोई एक लोकेशन पे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। जैसे अगर मैं अगर यहाँ पे अगर हम लोगों ने बल्ब लगाया रहेगा तो अब इसके फेस के पास अगर बल्ब है तो वो सबसे ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और बाकी का बॉडी जो है वो उतना ब्राइट नहीं रहेगा। बट इंस्टेड ऑफ दिस अगर आपको प्रॉपरली उसको एक नेचुरल लाइट अगर बनाना है तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे अम्ब्रेलाज यूज करते हैं। यहाँ पे देखो ये आपको लगेगा कि एक नेचुरल लाइट है ना, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। आपने सबने देखा ही रहेगा ये कंसेप्ट, बहुत सिंपल और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो कोई भी अगर फोटोशूट होता है तो वो टाइम पे डायरेक्ट लाइट सोर्स हम लोग नहीं देते हैं, बिकॉज वो लाइट बल्ब अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होता है वो कोई उसका कोई एक ही साइड पे उसका इंटेंसिटी लाइट्स जो है वो एक ही साइड पे फोकस्ड रहेंगे। लेकिन हम लोग को क्या करना है पूरे एरिया में कॉमन लेवल पे लाइट आपको स्प्रेड करना है। तो वो टाइम पे आप लाइट को फोकस करेंगे व्हाइट अम्ब्रेला पे, व्हाइट अम्ब्रेला पूरा पूरा ब्राइट हो जाएगा, मतलब वो पूरा कंप्लीटली वो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा पीछे से आ रहा है और उसको इक्वल पार्ट में पूरे एरिया में स्प्रेड करेगा। उससे आपको एक नेचुरल इफेक्ट मिलेगा जैसे यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऐसे अलग अलग कंसेप्ट पे अलग अलग लोकेशंस पे ऐसे ही डायरेक्ट लाइट के जगह पे ऐसे व्हाइट अम्ब्रेलाज लगने के बाद में वो जो लाइट आता है उसके ऊपर हम लोग फोटो कैप्चर करते हैं जिससे आपका फोटो और नेचुरल आए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फोटोमेट्री इज द साइंस ऑफ मेजरिंग विजिबल लाइट इन यूनिट्स दैट आर वेटेड अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिव ऑफ ह्यूमन आई। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा बल्ब अगर हम लोगों ने यहाँ पे रखा है, ये जो बंदा बैठा है उसके सामने है ना, तो क्या होगा उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि जब अगर लाइट अगर इसके फेस पे आ रहा है, आप देखो कि क्रिकेटर्स जो होते हैं तो क्रिकेटर्स भी बहुत बार आपने देखा रहेगा कि उनके सामने अगर लाइट या कोई दूसरा डिस्ट्रेक्शन आ रहा है तो वो एक अलग से वो स्क्रीन रखते हैं ना वहाँ पे जिससे वो डिस्ट्रेक्शन ना आए। तो एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी है कि अगर आप कोई फोटोग्राफर कोई फोटो क्लिक कर रहा है, अब ये जो पर्सन मॉडल बैठा हुआ है उसके फेस के ऊपर अगर बहुत बड़ा लाइट अगर आएगा तो क्या होगा कि वो नॉर्मल जो नेचुरल फेस जो है वो नहीं रख पाएगा। दूसरी बात आप अगर देखेंगे कि वो जो लाइट है वो लाइट उसके आंखों में दिखेगा और आप जब फोटो क्लिक करेंगे तो उसका आंख जो है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखेगा। जैसे हम लोग नॉर्मली अगर आप देखते हैं कि हम लोग को एक एनिमल को अगर अंधेरे में शूट करते हैं तो फोटो शूटिंग अगर उनका होता है या कैमरा या वीडियो से हम लोग उसको अगर कैप्चर करने का ट्राई करते हैं, फ्लैश करते हैं, तो आपने देखा रहेगा बहुत बार फ्लैश करने के टाइम पे अगर आपने ग्लासेस पहने हुए तो वो उसमें बहुत गंदा दिखता है वो कभी कभी, है ना, या आपका प्रॉपर फेस कैप्चर नहीं हो पाता। तो इसके लिए ये सारे कंसेप्ट जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ह्यूमन आई इज वेरी सेंसिटिव, तो एक लिमिट से ज्यादा अगर लाइट आया तो हम लोग का आंख बंद हो जाएगा। तो फ्लैश भी बहुत बार आता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का कभी कभी लाइट बंद हो जाता है, आग बंद हो जाता है उसकी वजह से। तो इट इज द क्वांटिटेटिव साइंस बेस्ड ऑन द स्टेटिस्टिकल मॉडल। सो यहाँ पे आपको देखो एक कंसेप्ट दिया हुआ है, दिस इज द वेवलेंथ, मतलब ये लिमिट जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे लाइट विजिबल नहीं है, ये लिमिट से अगर आप देखेंगे लाइट जो है वो विजिबल है, मतलब आप एक ऐसे लोकेशन पे आ रहे हैं जहां पे ह्यूमन आई से आप चीजों को देख सकते हैं। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर लाइट इंटेंसिटी अगर 390 से कम है तो हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे, उसके ऊपर इंटेंसिटी अगर 440 से जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएगा हम लोग वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। लेकिन एक लिमिट के बाद में उसका वेवलेंथ जब यहाँ पे टॉप पे होगा तो वो टाइम पे वापस वो ऑब्जेक्ट जो है वो इसके ऊपर हम लोग को विजिबल नहीं रहेगा बिकॉज बहुत ज्यादा लाइट आ गया। जैसे आप बड़े बड़े फोकस पकड़ लो किसी के सामने तो वो अब किसी को एकदम क्लियर दिखाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग 2, 4, 5 एकदम फोकस लगा देंगे तो क्लियर दिखेगा, नहीं, बहुत ज्यादा अगर लाइट आ गया तो वो दिखेगा ही नहीं क्योंकि हम लोग का आई उतना ज्यादा जो लाइट इंटेंसिटी को सह नहीं पाएगा, आपको सब कुछ व्हाइट व्हाइट ही दिखेगा। आप बहुत बार आप सनलाइट देख लो, आप डायरेक्ट सन को नहीं देख सकते क्योंकि उसका इंटेंसिटी बहुत हाई होता है, और आपने देख भी लिया तो बाद में आप और कहीं पे अगर देखोगे तो आपको काला काला दिखेगा। सो ये हम लोग को ग्राफ दिया हुआ है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग कोई एनिमेशन बनाएंगे, कोई एक इमेज हम लोग बना रहे हैं, कोई एक मूवी बना रहे हैं, कोई एक फोटो कैप्चर कर रहे हैं हम लोग, तो आपको ये जो मेन जो फोटोमेट्री कंसेप्ट है वो पता होना चाहिए, लाइट इंटेंसिटी जो है वो पता होना चाहिए। तो लाइट इंटेंसिटी हम लोग क्या करेंगे,
ये लिमिट से रखो। अगर आप दिन का शूट बता रहे एकदम ब्राइट, वो कोई स्वर्ग से आ रहा है बता रहे, तो तब जाके हम लोग लाइट इंटेंसिटी ये कोई लेवल पे रखेंगे, है ना। फिर यहाँ से वापस अगर आप देखेंगे तो लाइट इंटेंसिटी जो है वो कम होते जाएगा, मतलब आदमी को दिखना कम हो जाएगा, और यहाँ पे एक पॉइंट पे आने के बाद में वो कुछ भी देख नहीं पाएगा निकेड आई से। सो आपको ये लिमिट से चालू करना है आपके इमेज। आप देखो पुराने मूवीज में हम लोग, आपने देखा रहेगा कि जो रात का शूटिंग होता था वो भी दिन में होता था, और बाद में उसको हम लोग थोड़ा डल करते थे। तो उसका मेन रीजन क्या था कि तभी हम लोग के पास ऐसे कैमराज नहीं थे कि जो रात में शूटिंग करने के टाइम पे वो कुछ अगर चीजें जो हम लोगों ने कैप्चर किया वो आपको क्लियरली दिखा पाए। उसमें क्या होगा, उसका इंटेंसिटी जो था वो बहुत कम था। फोटोमेट्री इफेक्ट में वही हो गया कि जो भी लाइट आते थे उसका वेवलेंथ इतना कम था कि आपको मूवी में सब कुछ काला काला ही दिखेगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे हीरोइन है क्या है। तो आज भी बहुत सारे मूवीज अगर आप देखेंगे, मतलब अभी भी पुराना नहीं है, बहुत सारे आप बॉलीवुड मूवीज देखो, आपको बॉलीवुड मूवीज टॉलीवुड कोई भी मूवी देखो तो आपको पता चलेगा कि रात के शूटिंग जो है वो दिन में होते हैं बेटर इफेक्ट देने के लिए। सो सेम कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। कलरोमेट्री बहुत सिंपल है। कलरोमेट्री का मतलब क्या रहेगा, जैसे आजकल हम लोग LED, LCD, CRT, अलग अलग दूसरे प्लाज्मा प्रोजेक्शंस ये वो यूज करते हैं, तो आपको एक नेचुरल लाइट देने के लिए कलरोमेट्री के एप्लीकेशंस यूज होते हैं। ये हम लोग के पास सेट ऑफ कलर है, इसमें से ऊपर जो हम लोगों ने विजिबल स्पेक्ट्रम पढ़ा ये वाला, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि रेम्बो में अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लू कलर पहले दिखता है, रेड कलर ज्यादा दिखते हैं लास्ट में, जो सन रहता है सनसेट या सनराइज पे आपको रेड कलर ज्यादा दिखता है क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है ना। ब्लू कलर जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक ही ट्रैवल करता है। देन एक प्रिज्म में से अगर हम लोग लाइट पास करते हैं तो आपको रेम्बो के 7 कलर्स कैसे मिलते हैं, तो वो सब क्या है, आपका वेवलेंथ का इंटेंसिटी कितना बड़ा या छोटा है उसके हिसाब से आपको उस वहां पे जो कलर्स मिलेंगे वो भी बड़े या छोटे रहेंगे, है ना। तो एक लिमिट तक आप वो अलग अलग शेड्स को कलर्स को देख पाओगे, एक लिमिट के बाद में वो शेड्स या कलर्स को आप देख नहीं पाओगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको वही सेम पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। सो व्हाट इज कलर स्पेस, सो कलर स्पेस में अगर आप देखेंगे हम लोग के पास कंप्यूटर में ये अलग अलग टाइप के कलर रहते हैं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू। देन उसके बाद में हम लोग के पास नेक्स्ट जो कलर होता है वो है क्यान मजेंडा येलो, देन YUV, देन ये दूसरे है HCV है, यू सेचुरेशन, ये हम लोगों ने 3D ऑब्जेक्ट मैंने बताया था तब सिखाया था मैंने। तो नॉर्मली हम लोग के पुराने कंप्यूटर्स या CRT मॉनिटर्स जो आते थे उसमें ये 3 कलर्स ही आते थे, RGB और इसी के टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स हम लोग यूज करते थे। तो इनका जो टोटल कॉम्बिनेशन जो आपको मिलेंगे वो कितने रहते थे, R0 to 255, देन सेम वे 0 to 255 फॉर ग्रीन एंड 0 to 255 फॉर ब्लू। तो अगर मैं बोलूंगा कि रेड का वैल्यू मैंने 255 रखा हुआ है, मतलब एकदम डार्क रेड या ब्लू मरून टाइप दिखेगा आपको। देन अगर मैंने जो ग्रीन है उसको अगर मैंने 255 वैल्यू अगर सेट किया है तो क्या होगा कि वो ग्रीन जो है वो भी आपको एकदम डार्क ग्रीन दिखेगा। सेम गोज विद ब्लू एज वेल। तो अगर मुझे कोई कलर कॉम्बिनेशन बताना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, RGB, R का वैल्यू सपोज मैंने 50 रखा है, ये 0 रखा है और ये 100 रखा है। तो ऐसे आप अलग अलग मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कितने कॉम्बिनेशन बन पाएंगे आपके, 0 to 255, 256 होता है, 256 मल्टीप्लाई विद 256 मल्टीप्लाई विद 256। सो RGB टाइप के जो मॉनिटर्स रहते हैं जो ये 3 कलर कॉम्बिनेशन से आपके शेड्स बनाते हैं उसमें टोटल इतने कॉम्बिनेशन आपको मिलते हैं आज के टाइम पे हम लोग जो भी बात कर रहे हैं उसमें। सो वी हैव दिस RGB। सो मोस्ट वाइडली यूज्ड वन इज RGB है। पुराने कार्टून्स एनिमेशन देखते थे वहां पे भी RGB यूज होता था। यहाँ पे आपको ऐसे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो अगर हम लोगों ने तीनों को अगर 0-0 रख दिया तो व्हाइट कलर दिखेगा, या तीनों को अगर हाईएस्ट कर दिया तो ब्लैक कलर दिखेगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी भी आप बता सकते हो। और अगर आपने मीडियम रखा है तो क्या होगा, ग्रे कलर दिखेगा। सो आप तीनों के कलर कॉम्बिनेशन जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे आपके अलग अलग शेड्स आते जाएंगे। एप्लीकेशंस कहाँ पे है, CRT मॉनिटर में यूज करते हैं, LCD में यूज करते हैं, प्लाज्मा और LED डिस्प्ले जो रहते हैं टेलीविजन के वहां पे भी यूज होता है,
कंप्यूटर मॉनिटर पे, लार्ज स्क्रीन पे, हर जगह पे यूज होगा। प्रिंटर के अंदर आपको ये टाइप के इंक मिलता है आजकल बहुत सारे प्रिंटर्स में। सो एक अच्छा सा फोटो प्रिंट आउट अगर लेना है, जैसे आप देखो कि हम लोगों को पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करना है, आपने देखा रहेगा प्रिंट आउट निकाल के देते हैं आजकल, वो एक पेपर होता है अलग से हम लोगों का फोटो टाइप, तो वो स्पेशल पेपर के ऊपर आपको फोटो प्रिंट करके देता है। तो वो टाइम पे हम लोग अलग अलग ऐसे इंक बॉटल्स आपको प्रिंटर पे मिलता है। अब बहुत बार क्या होता है कि कहीं कहीं पे हम लोगों को जो RGB कलर्स रहता है उसको आपको ट्रू कलर्स में डिफाइन करना रहता है, मतलब और एक रियलिस्टिक इफेक्ट देना रहता है या एक बेटर एनिमेशन प्रोवाइड करना रहता है। तो वो टाइम पे हम लोग ये सेम जो RGB कलर्स है उस पे ये सेम मैथमेटिकल ये मैट्रिक्स इक्वेशन अप्लाई करके उसको हम लोग क्यान मजेंडा येलो में कन्वर्ट करते हैं। अब ये कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, वी ओनली सपोज टू रिमेम्बर RGB टू क्यान मजेंडा येलो कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इज माई मैट्रिक्स, सिंगल मैट्रिक्स हो गया 255 से हम लोग माइनस करेंगे RGB को। क्यों 255? बिकॉज आपका RGB का वैल्यू कितना है, 0 to 255 है ना, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आएगा यहाँ पे। देन अगर आप देखेंगे UYUV defines a color space in terms of one luma that is Y and two chrominance that is UV. Chrominance, UV rays, हम लोगों को पता है जो हम लोग देख नहीं सकते हैं, एंड ल्यूमा ल्यूमिनेशन मतलब सोर्स से बाहर जाने वाले जो लाइट रहते हैं है ना, ल्यूमिनेंस। तो यहाँ पे आप देखो ल्यूमिनेंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है सर्टन जो विजिबल नहीं है और सर्टन जो विजिबल है, तो वो कंपोनेंट्स यहाँ पे आएंगे। कलर मॉडल इज यूज्ड इन फॉलोइंग कंपोजिट कलर वीडियोस लाइक नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमिटी है, PAL है, फेज अल्टरनेटिंग लाइन है, देन सिक्वेंशियल कलर, ये आपका एक फ्रेंच वे में लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे उसका फुल फॉर्म आता है सिक्वेंशियल कलर विथ मेमोरी। सो एज यू कैन सी कि ये टाइप के एक रियल इमेज को हम लोग ये अलग अलग वे में बता सकते हैं। निगेटिव इमेज आपने बहुत बार देखा रहेगा कि मूवीज में कोई एक घर में कोई एक छुपा हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं अलग से वो हीट डिटेक्शन आपके हीट सेंसर्स रहते हैं, हीट डिटेक्शन सेंसर्स रहते हैं, तो वो कभी कभी हम लोग यूज करते हैं जिससे हम लोग दीवार के आर पार सेंस कर सकते हैं कि कितने आदमी रहेंगे वहाँ पे, कोई है नहीं है, वो सबके लिए हम लोग यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो करते हैं। सेम वे यहाँ पे आपको दूसरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जस्ट रीड इट आउट, बहुत सिंपल है। HSV कलर मॉडल यू सेचुरेशन एंड वैल्यू, तो यू सेचुरेशन वैल्यू क्या बोला है, बेस के ऊपर आपका ब्लैक कलर रहेगा, जैसे जैसे आपका ये कॉन बड़ा होते जाएगा नंबर ऑफ शेड्स बढ़ते जाएंगे और एकदम टॉप पे जाएंगे तो आपको व्हाइट कलर मिलेगा। सो ये ऐसा कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है यू सेचुरेशन एंड वैल्यू वाला। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिमिलर टू RGB एंड क्यान मजेंडा येलो मॉडल्स डिस्क्राइब कलर इन टर्म्स ऑफ देयर शेड्स सेचुरेशन और अमाउंट ऑफ ग्रे, तो अगर अमाउंट ऑफ ग्रे अगर हम लोग कम या ज्यादा करेंगे, कम करेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ेगा, ज्यादा करेंगे तो डलनेस आएगा, मतलब ब्लैक पार्ट डोमिनेंस करेगा। उसके साथ में ब्राइटनेस अगर बढ़ाना है तो वैल्यू ऑफ ल्यूमिनेंस भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। देन मे बी डिपेक्टेड एज कॉन और सिलेंड्रिकल पार्ट जहाँ पे आपको अलग अलग कलर्स मिलेंगे। यू सेचुरेशन एंड वैल्यू, यू का मतलब क्या रहता है, सेचुरेशन मतलब कितने कलर कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे टॉप लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आप ब्लैक से ये कॉन है हम लोग का, ये जो कॉन है यहाँ पे अगर आप देखेंगे बॉटम में हम लोग का कॉन है, अब ये कॉन से आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आपके नंबर ऑफ कलर्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। सो एज यू कैन सी ये कॉन से आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, दिस इज माई कॉन, यहाँ पे आपको मेनली सिर्फ ब्लैक कलर ही मिलेगा क्योंकि RGB वैल्यू आपका हाइएस्ट है। जैसे जैसे उसके वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे नंबर ऑफ कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे और बढ़ेंगे, यहाँ पे और बढ़ेंगे, यहाँ पे और बढ़ेंगे, देन यहाँ पे ये आपका यू वैल्यू है। यू वैल्यू मतलब कोई एक सेंटर लोकेशन पे टोटल नंबर ऑफ आपको कलर कॉम्बिनेशन कितने मिल रहे हैं, दैट इज द यू है ना। और वैल्यू देखो यहाँ पे आप वैल्यू जैसे जैसे कम करते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, वैल्यू में जैसे जैसे चेंजेस होगा वैसा आपका शेड जो है वो व्हाइट टू ब्लैक होते जाएंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, सिंपल एकदम सिंपल सा डायग्राम दिया हुआ है। सो वैल्यू वर्क्स इन कंजंक्शन विद सैचुरेशन डिस्क्राइब द ब्राइटनेस और इंटेंसिटी ऑफ अ कलर। इंटेंसिटी मतलब किसी को गोरा करना है तो हम लोग उसका फेस इंटेंसिटी पे व्हाइट कलर का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे है ना, तो लेकिन एग्जैक्टली हम लोग को व्हाइट नहीं करना है, उसको पाउडर लगाया हुआ नहीं बताना है, नेचुरल गोरा बताना है, तो उसके लिए हम लोग नॉर्मली आई गिव यू वन एग्जाम्पल लाइक इफ यू हैव अ वर्ड डॉक्यूमेंट
दिस इज आवर वर्ड डॉक्यूमेंट. अब ये वर्ड डॉक्यूमेंट पे ओके सो एज यू कैन सी हियर वी हैव दिस वर्ड डॉक्यूमेंट. अब ये वर्ड डॉक्यूमेंट पे आई हैव पोस्टेड वन इमेज हियर. ओके सो ये मेरा एक स्क्रीनशॉट आ गया. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये स्क्रीनशॉट को मैं सपोज क्रॉप कर लेता हूँ थोड़ा सा. I just want this much part to be displayed. अब ये पार्ट को बताने के लिए I can make some corrections. Correction का मतलब ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्राइटनेस बढ़ा रहे हम लोग. ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट. ब्राइटनेस बढ़ाने का मतलब इसको गोरा करो. बैकग्राउंड का जो कलर है वो कम होते जाएगा. व्हाइट का इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा. देखो यहाँ पे नॉर्मल है. यहाँ पे थोड़ा व्हाइट का इंटेंसिटी बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, थोड़ा बढ़ा. यहाँ पे एकदम यहाँ पे हाईएस्ट होगा. व्हाइट विल बी डोमिनेंट और यहाँ पे ब्लैक विल बी डोमिनेंट. मतलब हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट अप्लाई कर रहे हैं उस पर, है ना. सो दिस इज हाउ द थिंग वर्क्स. सो हम लोगों को किसी को अगर वर्ड से भी गोरा करना है तो वो भी आपके पास आज के टाइम पे ऑप्शन है. वर्ड, पावर पॉइंट सब में ये आपको पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन मिलता है. सो ये क्या है, ये हम लोगों का इंटेंसिटी है. ठीक है, एज यू कैन सी वैल्यू. तो यहाँ पे हम लोगों ने ये वैल्यू बढ़ाया या कम किया. तो वैल्यू कम होगा तो कलर जो है वो व्हाइट ब्लैक हो जाएगा. वैल्यू बढ़ेगा तो कलर जो है वो व्हाइट दिखेगा. ब्राइटनेस बढ़ेगा उस पर. ब्राइटनेस बढ़ा रहे हम लोग. बस ये आपको एप्लीकेशन दिए हुए एंड हियर वी आर डन विथ यूनिट 3. सो आपका यूनिट 3 यहाँ पे एंड होता है. Now we'll be starting with unit 4. So this is our unit 4, which basically talks about visible surface determination. मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, we have this cube. अब ये cube में if you notice कि background के ये जो lines है, पीछे जो lines गए हुए, वो lines हम लोगों को कभी दिखने वाले नहीं है. ठीक है, I'm talking about this line. From here, this line. So, अब ये जो लाइन है ना, ये कभी दिखने वाले नहीं है. लेकिन फिर भी हम लोग बहुत बार बताते हैं, जब वायर इमेज होता है, या फिर आप देखो कि अर्थ का वायर वायर इमेज होता है. अर्थ का अगर वायर इमेज है, इफ वी हैव अर्थ वायर इमेज या वायर डायग्राम, अर्थ वायर अर्थ इमेज, एक सेकेंड, आपने अर्थ के अलग अलग ग्लोब का हम लोग देखते हैं. ग्लोब वायर इमेज. ओके सो देखो ये जो अर्थ है इसका ये वायर इमेज आपको मिलेगा. As you can see, ये वायर इमेज है. अब वायर इमेज में आप देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो ये आपको अर्थ जो है उसके ऊपर आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मिलता है. आपका जीपीएस, मोबाइल का जीपीएस जो है वो ही आपका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूडनल वैल्यूज के बेस के ऊपर ही आपको बताता है कि आप कौन से लोकेशन पे, राइट. तो अगर मैं अर्थ का कोई एक इमेज ऐसा ये ग्लोब बता रहा हूँ और उसके ऊपर भी अगर ये रोज एंड कॉलम अगर आता है तो वो क्या हो गया, वो आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए. जैसे अगर मैं बताता हूँ कि एक्स एंड वाई आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई एक इमेज को आपको स्क्रीन के कौन से कॉर्नर में, सेंटर में, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम कहाँ पे बताना, तो वो टाइम पे वो जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा उसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हम लोग वैल्यूज लेंगे और उसके हिसाब से उसके कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे रखेंगे, राइट, जिससे हम लोग को पता चलेगा. सो इफ यू नोटिस यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है. बट अब ये वायर इमेज जो है ये जो हम लोग यहाँ पे ये जो उसके रोज एंड कॉलम बता रहे या जो स्ट्रेट लाइंस जो होता है ना, लंबे वाले लाइंस, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. दिस इज लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और ये आपका लैटिट्यूड है. दिस इज लैटिट्यूड. तो अब जो सामने दिख रहे ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये आप अगर देखेंगे ना ये पीछे वाले भी दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ये. तो अब मैं कहीं और देख रहा हूँ लेकिन ये पीछे वाले जो है ये भी दिख रहे हैं. तो अब जब मैं अगर ये पीछे वाले भी अगर लाइंस अगर बता रहा हूं, मतलब मेरा इमेज का साइज जो है ना वो अननेसेसरी बढ़ रहा है.
और आपको कोई एक इमेज में क्लैरिटी जितना ज्यादा लाना रहेगा उसका साइज उतना बड़ा रहेगा, लेकिन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग हटा दें तो आप वो इमेज का साइज जो है उतना छोटा कर सकते हैं। ठीक है, आपने रिसेंटली देखा रहेगा मून का एक इमेज आया है विच इज ऑफ 74 GB, जस्ट अ सिंगल इमेज ऑफ 74 GB, मतलब उसमें आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा डिटेल रहेंगे। इफ आई जस्ट सर्च योर 74 GB इमेज ऑफ मून, देखो यहाँ पे इफ यू नोटिस ना हाई रिजोल्यूशन आपको इमेजेस मिलता है, और वो हाई रिजोल्यूशन इमेज में अगर आप देखेंगे तो आपको जो मून के सर्टन इमेजेस जो आते हैं वो एक इमेज का साइज इतना बड़ा रहता है। नाउ इमेजिन कि अगर ये एक इमेज अगर मैं इतना अगर इतना बड़ा इमेज अगर मैं ये सैटेलाइट भेजेगा और हम लोगों के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स रहेंगे वो इसको प्रोसेस कर पाएंगे, इससे साइंटिस्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ पाएंगे, बहुत दूर से हम लोग बहुत डिटेल स्टडी कर पाएंगे मून का। ठीक है, या कोई दूसरे जो हम लोगों के प्लैनेट्स रहेंगे उनका, लेकिन इतना बड़ा इमेज आप यूजर के कंप्यूटर पे नहीं भेज सकते, इतना बड़ा इमेज आप मोबाइल पे नहीं भेज सकते। तो आपको अगर मोबाइल पे कंप्यूटर पे अगर कुछ इमेजेस अगर भेजने हैं, या आप देख लो कि गूगल मैप तो सैटेलाइट से जो ओरिजिनल मैप आता है ना वो एक्चुअल मैप आपका टेराबाइट्स में होता है, टेराबाइट्स टीबी, 1 TB, 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB, मतलब आपका लैपटॉप में मैक्सिमम जो हार्ड डिस्क हम लोग को मिलता है या नॉर्मली मोस्ट ऑफ कंप्यूटर में आपके जो हार्ड डिस्क होते हैं वो 1 TB 2 TB के होते हैं, है ना, 2 TB, मतलब ऑलमोस्ट 2000 से थोड़े ज्यादा जीबी हो गए आपके। अब आप सोचो कि आपका सैटेलाइट से एक जो मैप आ रहा है वो मैप का साइज ही इतना बड़ा है, तो ऐसा मैप अगर हम लोग गूगल मैप पर अगर डालेंगे तो लोग देख पाएंगे नहीं, गूगल मैप को यूज कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आपको कितना फास्ट इंटरनेट लगेगा, मतलब लोग गूगल मैप यूज करना ही छोड़ देंगे, तो आपको क्या जरूरत होता है, आपके जो मैप होता है वो लाइट एंड फास्ट होता है, मतलब इतने लाइट होते हैं केबीज में आते हैं। तो आप सोचो कि सैटेलाइट से आए हुए जो मैप्स होते हैं ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो होता है वो टेराबाइट्स में होता है, जिसको हम लोग गीगाबाइट्स भी नहीं मेगाबाइट्स भी नहीं किलोबाइट्स में कन्वर्ट करके यूजर के मोबाइल पे या डिवाइस पे भेजते हैं, तब जाके वो स्मूथली एक्सेस कर पाते। एग्जैक्टली सेम वे सैटेलाइट से लिए हुए ये सारे जो इमेजेस जो होते हैं ना वो भी जीबीज में होते हैं, और उसको भी जब आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे एक्सेस कर रहे हैं तो इसका साइज बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब इसको हम लोग उतना छोटा कंप्रेस करके बता रहे हैं जिससे लोग इजीली उसको यूज कर पाए। तो वो कंप्रेस करने का मतलब क्या है कि अननेसेसरीली जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हटा दो। तो यहाँ पे जो प्रीवियस मैं आपको बता रहा था वायर इमेज, तो वायर इमेज के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, अननेसेसरीली बैकग्राउंड के जो कुछ लाइंस है जो दिखने वाले नहीं है उसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है, और जो विजिबल होगा यूजर को सामने उतना सिर्फ बताएंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये क्यूब है हम लोगों का, और ये क्यूब के अंदर इफ यू नोटिस कि हम लोग के पास यहाँ पे ये बैकग्राउंड के जो तीन लाइंस है वो यहाँ पे यूजर को दिखने वाले नहीं है, तो उसको आप हटा दो, उसको हिडन कर दो, और उसको स्टोर करने के लिए इमेज का जो भी साइज यूज होने वाला है इसको भी हम लोग हाइड कर देंगे। दैट इज द मेन बेनिफिट हियर। तो इसको हम लोग सरफेस हाइडिंग द सरफेस बोलता है। अब ये जब आप सरफेस जब हाइड करते हैं तो उसके अलग अलग कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेजेस रहते हैं, अब वो क्या है ना वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर है हम लोग का छोटा सा चैप्टर है, मैं अभी अगर आपको डायरेक्ट बता दूंगा तो नेक्स्ट टाइम वापस मुझे बताना पड़ेगा, तो दिस टाइम आई एम नॉट स्टार्टिंग विद दिस यूनिट 4, और यूनिट 3 तक ठीक है। एनी डाउट अबाउट यूनिट 3 लेट मी नो, एनीवन एनी डाउट्स अबाउट यूनिट 3 जल्दी बताओ, किसी को भी कोई भी डाउट्स है गाइज अबाउट यूनिट 3? हेलो, ओके जस्ट एक ही स्टूडेंट, व्हाट अबाउट अदर्स, एनी डाउट्स? ओके ठीक है, देन विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर, नेक्स्ट टाइम हम लोग यूनिट 4 चालू करेंगे। ओके okay?